Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल भी गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी. मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ. किस डायरेक्टर ने ली सिद्धार्थ आनंद की जगह रैम्बो फिल्म में? क्यों छोड़नी पड़ी सिद्धार्थ आनंद को रैम्बो फिल्म? किस फेमस फ्रेंचाइजी की रीमेक होने वाली है रैम्बो? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें. और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रैम्बो की. बॉलीवुड और रीमेक साथ साथ चलते हैं. हर साल एक दर्जन से अधिक साउथ और हॉलीवुड फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाया जाता है और ये दशकों से हो रहा है. हमने 2021 में भी कई रीमेक देखे और साल अभी खत्म नहीं हुआ है. ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फ्लॉप के बाद आमिर खान अब लाल सिंह चड्ढा में दिखेंगे. ये टॉम हॉन्क्स की 1994 की फिल्म फॉरेस्ट ग्रम्प की आधिकारिक हिंदी रीमेक है. कैथी के बाद अजय देवगन एक और रीमेक में दिखाई देंगे जो थैंक गॉड है. इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित ये फिल्म डेनिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म सॉर्ट कुगलर का आधिकारिक हिंदी रीमेक है. रॉबर्ट डी नीरो और एन हैथवे स्टारर 2015 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म द इंटर्न का हिंदी रीमेक बनाने के लिए दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है. ऋषि कपूर को भी रीमेक में अभिनय करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब उनकी जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली है. ऐसे ही रीमेक के बाहर में एक और खड़ी बड़ी फिल्म आने वाली है और वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन की चर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी रैम्बो का हिंदी रीमेक. इस फिल्म की चर्चाएं जोरों शोरों पर है, लेकिन चर्चाएं फिल्म पर जल्दी काम शुरू करने को लेकर नहीं बल्कि इसके क्रू में बदलाव को लेकर है. जी हाँ, शुरुआत से ही इस फिल्म का निर्देशन करने की जिम्मेदारी बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद के पास थी, लेकिन अब आकर खेल बदल गया है. अब इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ नहीं बल्कि अभिनेता वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन करने वाले हैं. रैम्बो का हिंदी रीमेक बनाने की खबरें कुछ सालों पहले से शुरू हुई है और पिछले साल एक इंटरव्यू में खुद सिद्धार्थ भी इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि इस फिल्म का निर्देशन करेंगे. इसकी शुरुआत वो इसी साल जनवरी से शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से देरी हुई. फिर मार्च में तो कोरोना वापस की वजह से सब कुछ बंद ही हो गया. सिद्धार्थ ने फिल्म की कहानी और पटकथा लेखन का काम पूरा कर लिया था, लेकिन अब उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा है. अब इस फिल्म के निर्देशन को अंजाम रोहित धवन देंगे. रैम्बो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अभिनेता टाइगर श्रॉफ को चुना गया है. ये चुनाव तब तक किया गया जब उनकी फिल्म बाघी रिलीज हुई. बेशक उस फिल्म में भी टाइगर ने कुछ बेहतरीन एक्शन दृश्यों को अंजाम दिया था, लेकिन इस सीरीज के साथ भी वो कुछ बेहतरीन एक्शन करने वाले हैं. इस फिल्म को शुरू करने से पहले टाइगर के पास उनकी पहली फिल्म हीरो पंती का सीक्वल भी हाथ में है. रैम्बो रीमेक के 2 साल बाद रिलीज होने की उम्मीद है. इस फिल्म को ले फैंस का उत्साह बढ़ते ही जा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस के कई नए रिकॉर्ड जरूर बनाएगी. तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.